नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। फरुखाबाद के कायमगंज में सरकारी ठेका देसी शराब पर आबकारी विभाग व पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। इसमें अनियमितताएं पाई गई। आज क्षेत्राधिकारी कायमगंज राजवीर सिंह गौर की मौजूदगी में आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम पहुंची तथा शराब के ठेके को चेक किया, जिसमें पता लगा कि निर्धारित समय के बाद भी शराब बेची जाती है। इस पर क्षेत्राधिकारी ने सख्त हिदायत दी है और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। आबकारी निरीक्षक शरद कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना के द्वारा निर्धारित समय के बाद भी ठेके पर शराब का बेचना बताया गया था, इसी कारण छापेमारी की गई है। आपने देखा कितने लोग थे? हम देखने का हम बिटिया अंदर बोले, हमने जगह इन्हें की जले भीतर पर है। उन्होंने कहे कि तुम बिटिया पर आया वो। हम छोटे बिटिया सुला रहे थे, तभी हम मेरे आगे लग गई, बिटिया मेरी सोई गई, तो हमने कुंडी मारी। उन्होंने जान मार के तब कुंडी मार दी, तब हमने कहे कि कुंडी क्यों लगा रहे, दरवाजा खोले रजा। इन्होंने कोई आवाज नहीं दी, हमने सीना में से चलकाया छत पे। छत में जाके हमने आवाज लगाए, कोई सुनवा नहीं भाई। तब हमने बिस्तर पे लगाए टॉर्च।